नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कर्नाटक उपचुनाव में कांग्रेस जनता दल सेक्युलर गठबंधन ने लोकसभा और विधानसभा की दो दो सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी शिवमोगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विजयी। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े आभूषण कारोबारी मेहुल चौकसी के सहयोगी दीपक कुलकर्णी को कोलकाता हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन अग्रिम चौकियों पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश रवाना। अमेरिका में कई सांसदों और प्रांतीय गवर्नरों को चुनने के लिए मध्यावधि चुनाव आज। लखनऊ में 24 वर्ष बाद पहली बार भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतर्राष्ट्रीय 2020 क्रिकेट मैच आज शाम खेला जाएगा। और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। कर्नाटक में लोकसभा की तीन और विधानसभा की दो सीटों के उपचुनावों के नतीजे मिल गए हैं। कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर गठबंधन ने लोकसभा की दो और विधानसभा की दोनों सीटें जीती हैं। भाजपा को शिवमोगा लोकसभा सीट पर विजय मिली है। रामनगरम सीट पर मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की पत्नी और जनता दल सेक्युलर की अनीता कुमारस्वामी 1,09,000 वोटों के अंतर से जीत गई हैं। और झामखंडी चुनावी क्षेत्र में कांग्रेस के आनंद सिद्धू न्यामागौड़ा 39,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुन लिए गए हैं। शिवमोगा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीवाई राघवेंद्र 52,148 वोटों से जीत गए हैं। बेल्लारी सीट पर कांग्रेस के वीएस युगरप्पा 2,43,000 वोटों के अंतर से चुने गए हैं। मांड्या सीट पर जनता दल सेक्युलर के शिवराम गौड़ा ने भाजपा प्रतिद्वंद्वी डॉ सिद्धरमैया को 3,24,000 से ज्यादा वोटों से हराया। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में भगोड़े आभूषण कारोबारी मेहुल चौकसी के सहयोगी दीपक कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। उसे कल रात हांगकांग से कोलकाता हवाई अड्डे पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। कुलकर्णी हांगकांग में मेहुल चौकसी की फर्जी कंपनी का निदेशक था। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड जा रहे हैं। वे दीपावली के अवसर पर केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कल सवेरे देहरादून के जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पहुंचेंगे और सुबह 10 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। श्री मोदी केदारपुरी में चल रहे विकास कार्यों पर 5 मिनट का एक वृत्त चित्र भी देखेंगे। वे केदारपुरी में पिछले एक साल के दौरान हुए विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आज तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। दोनों आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन गुट के थे। घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद मिले हैं। आकाशवाणी से बातचीत में कश्मीरी क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक स्वयं प्रकाश पाणी ने बताया, शोपियां का जो एनकाउंटर था वो खत्म हो गया है और रात में ही खत्म हो गया था। उसमें दो दहशतगर्द मारे गए हैं और उनका वाबस्ता हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से था। आर्म्स और एमुनेशन जो है वहां से रिकवर किया गया और इसमें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है। व्यापक टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उन बच्चों को टीका लगाया जाना सुनिश्चित करना है जो टीकाकरण से छूट गए हैं या जिन्हें पूरे टीके नहीं लगे हैं। इस अभियान का उद्देश्य समुचित टीकाकरण से नियंत्रित किए जा सकने वाले रोगों में कमी लाना है। पेश है विशाखापत्तनम से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और अन्य एजेंसियों के साथ साझेदारी कर ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से अछूता न रहे। इस अभियान का उद्देश्य देश में पूर्ण टीकाकरण का विस्तार 2013 के 65% से बढ़ाकर 2020 तक 100% बच्चों तक पहुंचना है। आंध्र प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग विशेष रूप से उत्तरीय तटीय जिलों में टीकाकरण कवरेज में सुधार के लिए बड़े प्रयास कर रहा है। पेंडुर्ती के टी विद्यासागर ने बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मैंने अपने 3 साल के बेटे का टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष के तहत कराया। मुझे बताया गया कि टीकाकरण के बाद 12 जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है। मुझे खुशी है कि बच्चे अब इन बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ जीवन जिएंगे। हेल्दी फ्यूचर एंड लाइफ। इस योजना के तहत 2,47,00,000 से अधिक बच्चों और लगभग 76,00,000 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है।
भारत का टीकाकरण कवरेज 2009 से 2013 की अवधि के दौरान 1% के मुकाबले 2016 में 6.7% बढ़ गया। विशाखापत्तनम से महेश श्रीनिवास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शशांक कुमार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। चली चली सेहत की हवा, चली चली मुक्त होगा इलाज मिलेगी दवा, बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार, मुफ्त उपचार। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आरंभ के पहले ही महीने में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों ने विभिन्न सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है। अब बीमार और नहीं लाचार, बीमारी का हो रहा मुफ्त उपचार। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल करें। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन दीपावली का त्यौहार अरुणाचल प्रदेश और असम में सैनिकों के साथ मनाएंगी। वे ऊपरी दिबांग जिले के अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश रवाना हो गई हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया कि वे असम में दिनजान, अरुणाचल प्रदेश में आंध्रा ला ओमकार और अनिनी जाएंगी। आंध्रा ला ओमकार में स्थित सैन्य चौकी निकटतम सड़क संपर्क से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। वे सैनिकों को दिवाली उपहार के रूप में स्कूली बच्चों की बनाई पेंटिंग भेंट करेंगी। श्रीमती सीतारामन शहीदों के परिजनों से भी मिलेंगी। सेना के अधिकारी श्रीमती सीतारामन को रक्षा तैयारियों और बुनियादी सुविधाओं के सुधार के बारे में जानकारी देंगे। तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में आज दीपावली पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दीपावली पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। देश के अन्य भागों में दीपावली कल मनाई जाएगी। महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में आज नरक चतुर्दशी मनाई जा रही है। परंपरागत समारोह आज तड़के से शुरू हुए। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में दिवाली के अवसर पर दीपोत्सव शुरू हो गया है। भगवान राम की नगरी में रामायण और उससे जुड़े चरित्रों को दर्शाने वाली 15 शोभा यात्राएं और झांकियां निकाली जा रही हैं। शोभा यात्राएं साकेत महाविद्यालय से शुरू हुई और रामकथा पार्क में संपन्न होंगी, जहां मुख्य अतिथि कोरिया की प्रथम महिला किम जोंग सुक इनकी अगवानी करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन और अन्य मंत्रीगण इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। शाम को पवित्र सरयू नदी के तट पर मिट्टी के 3 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। बड़ी संख्या में दक्षिण कोरियाई लोग अपने आप को रानी सूरी रत्ना यानी रानी हो का वंशज मानते हैं, जो लगभग 2000 साल पहले अयोध्या से कोरिया गई थीं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की पत्नी किम जोंग सुक आज अयोध्या में रानी सूरी रत्ना के स्मारक जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगी। वह रानी सूरी रत्ना के नए स्मारक की आधारशिला भी रखेंगी। इसी वर्ष जुलाई में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सूरी रत्ना स्मारक प्रोजेक्ट के विस्तार को लेकर समझौता हुआ था। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की पत्नी की यह यात्रा अयोध्या और दक्षिण कोरिया के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। स्वदेश वापसी से पहले कल किम जोंग सुक आगरा जाएंगी, जहां वो ताज के दीदार करेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। श्रीलंका में हिंदू समुदाय के लोग दीपावली का उत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ मना रहे हैं। राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने संदेश में कहा कि ये पर्व अंधेरे पर प्रकाश और आसान अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। केरल में शबरीमला के अयप्पा मंदिर में सिरी चितेरा अट्टा तिरुनल पर्व की विशेष पूजा कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही है। मंदिर कल शाम खुलने के बाद आज तड़के विशेष पूजा के लिए फिर खोला गया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद मंदिर रात 10 बजे बंद हो जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।
जी बेटा, एक काम करो, ये कागज के टुकड़े बिस्तर पर फेंक दो और जो कचरा बच जाए उसे दरवाजे के आगे डाल दो। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? क्यों, अजीब लग रहा है? जब तुम सड़क पर कचरा फेंकते हो, कहीं भी थूक देते हो, तब अजीब नहीं लगता? आखिर शहर भी तो अपना ही है। जब हम शहर को गंदा कर सकते हैं तो घर को क्यों नहीं? बाबा, मैं समझ गया। अब से मैं कचरा कूड़ेदान में ही डालूंगा और कहीं भी गंदगी नहीं फैलाऊंगा। और ये बात मैं अपने सभी दोस्तों को भी सिखाऊंगा। आओ अब जिम्मेदार बने और अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग में सबसे ऊपर ले जाए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में दोनों सदनों के सदस्य और प्रांतों के गवर्नरों के मध्यवर्ती चुनाव के लिए आज मतदान होगा। अमेरिकी सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 और सीनेट में 35 सीटों के लिए चुनाव होना है। 50 प्रांतों में से 36 के गवर्नर चुने जाने हैं। इस बार के चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं के भाग लेने की आशा है। राष्ट्रपति के 4 वर्ष के कार्यकाल के बीच होने के कारण इसे मध्यवर्ति चुनाव कहा जाता है। इस चुनाव से फैसला होगा कि अमरीकी कांग्रेस के दोनों सदनों का नियंत्रण किस पार्टी के पास होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से नवनिर्मित स्टेडियम में खेला जाएगा। लखनऊ में 24 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो रहा है। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कोलकाता में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ली हुई है। श्रृंखला का अंतिम मैच 11 नवंबर को चेन्नई में खेला जाएगा। भारत की पीवी सिंधु चीन ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पहले राउंड में सिंधु ने रूस की एवजेनिया कुसित्स्काया को 21-13, 21-19 से हराया। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एम सिक्की रेड्डी पहले राउंड में हारकर बाहर हो गई। किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय के मुकाबले अभी होने हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर और खराब होता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सवेरे वायु गुणवत्ता सूचकांक 403 रिकॉर्ड किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खुदाई से संबंधित सभी निर्माण कार्यों पर शनिवार तक रोक लगा दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने वायु को स्वच्छ बनाने के लिए 1 तारीख से 10 दिन का अभियान चलाया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट खोले हैं और लोगों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैलाने वालों की शिकायत दर्ज कराने को कहा है। श्रीलंका में राजनीतिक खींचतान के बीच महिंदा राजापक्से की नई सरकार के एक मंत्री मनुषा नन्याकारा ने त्यागपत्र देकर अपदस्थ प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के पक्ष में चले गए हैं। श्री नन्याकारा को विक्रमसिंघे का साथ छोड़कर नई सरकार में आने पर पिछले सप्ताह उपमंत्री बनाया गया था। स्पेन के अधिकारियों ने कहा है कि उत्तर अफ्रीका तट से 2 नौकाओं में स्पेन पहुंचने की कोशिश कर रहे अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र के 13 प्रवासियों की मृत्यु हो गई है और 80 को समुद्र से बचा लिया गया है। बड़ी संख्या में प्रवासी नौकाओं से समुद्र के रास्ते स्पेन के क्यूचा एन्क्लेव और मोरक्को के मलिला में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने कहा है कि स्वच्छता के प्रति सजगता हर एक की जिम्मेदारी है। वे कल बिहार में गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। गंगा ग्राम अवधारणा का उद्देश्य गंगा तट पर बसे गांवों को पौधारोपण और समुचित कचरा प्रबंधन प्रयासों से आदर्श गांव बनाना है। सुश्री उमा भारती ने कहा कि गंगा तट पर बसे सभी 4,465 गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराने के बाद उनका मंत्रालय इस क्षेत्र में स्वच्छता का यह स्तर बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। तीसरे पहर के कारोबार में बंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स में 208 अंक का उछाल आया और ये 35,000 के आंकड़े को पार कर गया। अब से कुछ देर पहले ये 35,159 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 53 अंक की बढ़त के साथ 10,577 पर पहुंच गया। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत हुआ। $1 $73.05 का बोला गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक उपचुनाव में कांग्रेस जनता दल सेक्युलर गठबंधन ने लोकसभा और विधानसभा की 2-2 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी शिवमोगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से विजयी रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े आभूषण कारोबारी मेहुल चौकसी के सहयोगी दीपक कुलकर्णी को कोलकाता हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन अग्रिम चौकियों पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश रवाना हो गई हैं। अमेरिका में कई सांसदों और प्रांतीय गवर्नरों को चुनने के लिए आज मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। वहां 24 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो रहा है। और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।